हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक हैं। मैं भी ठीक हूँ। देखिए गाइस, मेरे आलमांडा पे ये ब्राउनिस आलमांडा है, इस पर कितना अच्छा फूल खिला है। और ये देखिए, इस पर कितनी न्यू बर्ड्स आ रखी हैं। आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए इस पर कितनी न्यू बर्ड्स आ रखी हैं। और इस वाली उस पर भी बर्ड्स आ रही हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए। और इस पर एक लीव्स नीचे है, इस पर भी बर्ड्स आ रही हैं। अभी ये फ्लॉरिंग कर रहा है एक आलमांडा मेरा, ये भी है, आप देख सकते हैं, ये भी ब्राउनिश वाला आलमांडा है। और इस पर भी देखिए, ये इतनी ज़्यादा इसकी हाइट है कि बहुत ज़्यादा। और नीचे से आप देख सकते हैं, इसमें ना लीव्स निकल कर आ रही हैं, एक ब्रांच निकल कर आ रही है, ठीक है। और इस वाले में भी देखिए आप, दो लीव्स नीचे से निकल कर आ रही हैं। तो अभी जब ये फ्लॉरिंग बंद कर देगा, ऊपर से यहाँ से फ्लॉरिंग बंद कर देगा, तब मैं इसकी कटिंग करूँगी। यहाँ से कम यहाँ से इसकी कटिंग कर दूँगी, दोनों प्लांट्स की और इसकी भी, जैट्रोफा की भी। ये जो जैट्रोफा होता है, जिस पे ये मिनी मिनी से फूल आते हैं पिंक कलर के, ये अभी बर्ड्स आ रही हैं, देखिए ब्रांचेस में फूल आते हैं। तो ये इसकी भी कटिंग मैं यहाँ से करूँगी, जो कि ये नीचे से ग्रो करके आए, नीचे ही भूसी सा बना रहे। इतने हाइट वाले प्लांट मुझे गमले में चाहिए नहीं, लेकिन ये मुझे नर्सरी से ऐसे ही रिसीव हुए हैं, तो मैंने सोचा अभी फ्लोरिंग कर रहे हैं तो फिर पहले फ्लोर देख लेते हैं, उसके बाद इनकी कटिंग करेंगे, तब मैं इनकी कटिंग करके दिखाऊंगी। ये हवेलिया का प्लांट है, हमेलिया का प्लांट है। इस पर सिर्फ इसी तरह की ये बर्ड्स आती हैं, कलियाँ आती हैं, ये थोड़ी सी भी नहीं खुलती। ये भी हमेलिया की वैरायटी है, देसी वैरायटी है, या हाइब्रिड है, मतलब इस पर ये आती रहती हैं। तो ये बस इसी से खूबसूरत लगता है, इस पर कोई फ्लॉरिंग होती नहीं है, लेकिन ये अच्छा प्लांट है और 20 से 30 रुपए के बीच में आपको नर्सरी में अवेलेबल है, तो आप ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, और देखते रहिए आप मेरी वीडियोज़, और सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर मेरा चैनल। और फिर मिलेंगे आपसे, बाय बाय।